सफेद पोश बाप बेटे बेबस महिलाएं 3000 अश्लील वीडियो रेवना सेक्स स्कैंडल की इनसाइड स्टोरी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। कर्नाटक की सियासत में एक सेक्स स्कैंडल के इन दिनों भूचाल ला दिया है। कर्नाटक की सियासत में एक सेक्स स्कैंडल ने इन दिनों भूचाल ला दिया है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। उनके बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगा है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं का शारीरिक शोषण किया है। एक सफेद पोश बाप बेटे की जोड़ी, अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियां और 3000 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव। कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इन दिनों भूचाल ला दिया है उसका लबुलुआब कुछ यही है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। निशाने पर खुद देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं। उन पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। उनके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। यह मामला हाई प्रोफाइल है। यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं है, जबकि करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आते ही राज्य सरकार ने एक SIT बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामले में होता है, स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंग पिन यानी इल्जामों के घेरे में मौजूद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जर्मनी में है। अब सवाल ये है कि इस चुनावी मौसम में आखिर इस महासेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ? कैसे पहली बार देवेगौड़ा या फिर यूं कहें कि रेवन्ना परिवार में चलते इस काले कारोबार का सच सामने आया? आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया और उनका वीडियो बनाया? ऐसा करने के पीछे दोनों का मकसद क्या था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको अब से कोई 10 रोज पीछे चलना होगा। दूसरे चरण की वोटिंग से कोई 5 रोज पहले यानी 20 अप्रैल देश के कई अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 अप्रैल को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे शवाब पर था। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच हासन से NDA के पार्टनर जनता दल सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो व्हाट्सएप पर तैरने लगे। फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव भी हुए और रेवन्ना इनका सब कुछ होने के बावजूद वोट भी मांगता रहा, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया था। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश से बाहर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन उनके विरोधी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया था। बीजेपी नेता को दी थी अश्लील वीडियो से भरी पेन ड्राइव। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी वीडियो या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि मीडिया को भी ऐसा ना करने पर पाबंद कर दिया, चूंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था। तो उसने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब उन्होंने उसको भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले लिया जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इन वीडियो का क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा। महीने भर बाद उसने देवराज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे इंतजार करने की बात कही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।